Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Bethia. Dear students, we had started the chapter What is Democracy and Why Democracy? This chapter belongs to class 9. This is the third lecture of this chapter. The topic for today's study is Rule of Law and Respect for Rights. Here you can see a cartoon. This cartoon belongs to Iraq. यह कार्टून इराक से संबंधित है। आप जानते हैं कि इराक में सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था। सद्दाम हुसैन के शासन के खत्म होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है इस कार्टून के माध्यम से। इसमें आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में प्लाकार्ड है और इसमें लिखा हुआ है एट लास्ट वन मैन वन वोट, यानी आखिरकार एक व्यक्ति एक अधिकार प्राप्त हो ही गए। लेकिन ठीक इसी समय आप देख सकते हैं एक व्यक्ति यहाँ इम्प्रिजनमेंट में है, यानी एक व्यक्ति कैद है। इस व्यक्ति को सद्दाम हुसैन के रूप में दिखाया गया है। सद्दाम हुसैन इराक का एक डिक्टेटर शासक हुआ करता था। इसकी सोच क्या थी, ये क्या सोचता था, वो इसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। आई लाइक इट बेटर वेन आई वॉज द वन मैन एंड द वन वोट। सद्दाम हुसैन यहाँ क्या कहता है कि मुझे क्या पसंद था, मुझे पसंद था कि मैं ही केवल एक इंसान हूँ और केवल मेरा ही वोट का मतलब है, यानी मैं जो कहता हूँ वही रूल है, मैं जो कहूँ वही शासन है। दोनों ही सेंटेंस हालांकि देखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे 1980 ईस्वी में वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस प्राप्त करता है, यानी जिम्बाब्वे 1980 में आजाद होता है। किससे, तो वाइट माइनॉरिटी से। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाई जानू पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। उस समय से 1980 के बाद से केवल एक ही पार्टी यहां पर शासन कर रही है, जिस पार्टी का नाम है जानू पीएफ। ये पार्टी लगातार सत्ता में है। इनके पॉपुलर रूलर रॉबर्ट मुगावे हैं। ही हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और देश की आजादी के समय से ही ये शासन कर रहे हैं। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन बाय जानू पीएफ। यहां पर इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती है और वो पार्टी है जानू पीएफ। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुगाबे प्रेसिडेंट हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी के साथ साथ वे अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करते हैं। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। समय के साथ साथ इनकी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशंस को कई बार चेंज कर दिया, वहां के संविधान में कई बार बदलाव किए, और इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य था प्रेसिडेंट की ताकत को बढ़ाना। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बेड। जब भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो उन्हें हैरास्ट किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है और उनके मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। प्रेसिडेंट मुगावे के अगेंस्ट किया गया कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक कानून बनाया गया है जो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं देता है। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। यहां पर रेडियो और टेलीविजन भी हैं जिनको राइट तो दिया गया है, कहने के लिए वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो वही भाषाएं बोलते हैं जो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट बोलती है, यानी रूलिंग पार्टी के पक्ष में ही यहाँ की मीडिया भी आवाज उठाती है। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स बट
द गवर्नमेंट हैरासेस दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट, यानी गवर्नमेंट ऐसे जर्नलिस्ट को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है उन्हें गवर्नमेंट हैरास करती है। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट, गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट ऑर्डर को भी मानने से इनकार कर दिया जो इनके अगेंस्ट में गया एंड प्रेसराइज द जजेस, और इतना ही नहीं गवर्नमेंट ने जजेस को भी प्रेसराइज किया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशियंट। आज जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि पॉपुलर अप्रूवल लोगों का होना अनिवार्य है बट ये सफिशियंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी लोकप्रिय सरकारें भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब स्वायत्त, यानी कानून को ताक पर रखकर अपनी इच्छा से शासन करने वाले हो सकते हैं। इफ यू विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, अगर हम डेमोक्रेसी की परख करना चाहते हैं तो हमें इलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक एट इलेक्शन बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन, ये आवश्यक है कि हम इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के कंडीशन पर ध्यान दें। देयर शुड बी सफिशियंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सामान्य पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए काफी स्पेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, यहां तक कि पॉलिटिकल अपोजिशन के भी चांसेस होना चाहिए। इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये फेयर चांस होना चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाएं। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स, स्टेट जनता के कुछ बेसिक राइट्स को सम्मान देता हो। दे शुड बी फ्री टू थिंक, उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौका मिलना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू हैव ओपिनियन, वे अपने विचार रखने के लिए आजाद हों एंड दे मस्ट हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन पब्लिक, और उन्हें पब्लिक में अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का भी अधिकार हो। इतना ही नहीं दे शुड हैव पावर टू फॉर्म एसोसिएशन, उन्हें एसोसिएशन बनाने का भी शक्ति होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू प्रोटेस्ट द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एक्शंस, जो पॉलिटिकल एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके विरोध करने का भी उन्हें अधिकार होना चाहिए। एवरी शुड बी इक्वल इन आईज ऑफ लॉ, हर व्यक्ति कानून के नजर में एक बराबर होने चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और जनता के ये अधिकार एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के द्वारा प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। जुडिशियरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन, जुडिशियरी दक्ष होनी चाहिए ताकि उनके आदेश का, उनके डिसीजन का पालन हर एक व्यक्ति करता हो। जुडिशियरी के बारे में विशेष रूप से चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शंस, ठीक वैसे ही कुछ कंडीशंस हैं जो सरकार बनने के बाद गवर्नमेंट के शासन करने के तरीके पर भी लागू होता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज ओन इलेक्शन, इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। एक जनतांत्रिक सरकार जो चाहे सो नहीं कर सकती है क्योंकि वो चुनाव जीत गई है। इन पार्टिकुलर इट हैज टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज, ऐसी सरकारों को माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए भी गारंटी देनी होती है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस, एवरी ऑफिस बीयर्स हैज सर्टन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक
ऑफिसर्स को या हर एक ऑफिस को कुछ राइट्स दिए गए हैं और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। हर ऑफिस और हर अधिकारी को कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त है। इन राइट्स का सम्मान होना चाहिए। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। ये सरकार केवल लोगों के प्रति ही जवाबदेह नहीं है बल्कि जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स हैं उनके प्रति भी ये जवाबदेह होते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आगे चैप्टर 5 में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। बोथ दीज आस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों आस्पेक्ट्स हमें चौथा और अंतिम फीचर्स डेमोक्रेसी का प्रोवाइड करते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स within limits set by constitutional law and citizens' right. एक democratic government शासन करती है किसके द्वारा, तो constitution के द्वारा set किए गए नियमों के अनुसार और citizens के right के अनुसार। A democratic government एक जनतांत्रिक सरकार संविधान के द्वारा बनाए गए limits के अंतर्गत कार्य करती है और वो जनता के rights को सुनिश्चित करती है। Let us see the summary of definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. Democracy एक ऐसी सरकार है जिसका चुनाव जनता करती है। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. हमने समझा कि डेमोक्रेसी का यह डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम इस डेफिनेशन में आए हुए शब्दों को बारीकी से समझें। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जनता के द्वारा चुने हुई सरकार या रूलर शासक मेजर डिसीजंस लेते हैं। छोटे मोटे डिसीजंस और अधिकारी भी ले सकते हैं लेकिन देश के लिए बहुत जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो केवल और केवल जनता के द्वारा चुने हुए रूलर्स ही लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शंस जनता को चॉइस ऑफर करते हैं और फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पहले से रूल कर रहे रूलर को चेंज कर सके। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. यह जो choice है इसका exercise यह सुनिश्चित करता है कि rulers संविधान के द्वारा constitution के द्वारा set किए गए basic rules के अनुसार चलते हैं और जनता के rights को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 2.3 व्हाई डेमोक्रेसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही।